Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about some multiple choice questions and fill in the blanks analogy type questions from the chapter Getting to Know Plants. As we have already finished this chapter, so today we will be doing these question answers from exercise. So पहले इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहला है हमारे पास रोज प्लांट इज अ हर्ब अ श्रब अ ट्री और अ क्लाइंबर. तो आपको पता है कि जो रोज़ प्लांट होता है वो हर्ब तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक मीडियम साइज प्लांट होता है, तो इट विल नॉट बींग अ हर्ब और वो ट्री भी नहीं होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता है एंड इट इज़ नॉट अ क्लाइंबर ऑल्सो. सो उसकी कैटेगरी किसके अंदर आ जाती है, श्रब के अंदर आ जाती है. सो रोज़ प्लांट इज़ अ श्रब एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर एंड दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ. जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो किसकी फॉर्म में होता है. इज इट इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इज इट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स, इज इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और इज इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. आपको पता है फैट एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है और जो ऑयल है हमारे ये तो हमें किससे मिलते हैं, सीड्स वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे मिलते हैं. बट जो प्लांट अपने लिए खाना बनाता है उसको वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. सो इस तरह से हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज द ब्रॉड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ. किसी भी लीफ का सबसे ब्रॉड एक्सपेंडेड और जो फ्लैट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इट इज़ लेमिना, ठीक है. जो उसका एरिया होता है मतलब बेसिकली पूरा जिसको जो कवर करता है लीफ सबसे ज़्यादा एरिया उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लीफ फ्लावर ओवरी और ओव्यूल्स. किसकी हेल्प से सीड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. सो स्टूडेंट्स पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं और उसके बाद स्टिग्मा पे क्या होता है, नीचे से जो ओव्यूल्स हैं और ओवरी से जाके वो वहाँ पे पूरा उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फ्लावर से क्या होता है, फ्रूट बनता है. तो जो फ्रूट के अंदर बीज बनाने का जो काम होता है, सीड फॉर्मेशन का जो काम होता है, वो ओव्यूल्स का होता है जो हमारे ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है. सो इन दिस केस द डी विल बी द राइट आंसर, सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल्स विच आर फाउंड इन ओवरीज ऑफ पिस्टल, ओके. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इनमें से कौन सा हमारा फीमेल पार्ट है, इज इट स्टेमन, इज इट फिलामेंट, इज इट एंथर और इज इट कार्पल. आपको पता है स्टेमन तो नहीं है क्योंकि स्टेमन आपका आ जाता है मेल ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर होते हैं. हमारा दोनों पार्ट फिलामेंट एंथर और स्टेमन सारे इंटरलेटेड हैं, बस इनमें से एक सबसे अलग है वो है कार्पल. सो कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके. सो कार्पल विल बी द राइट आंसर, सो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड डी कार्पल एज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नाउ विल बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन पोलन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर द प्रोसेस इज कॉल्ड. अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम डिस्कस करके आए हैं ये चीज, जब हमारे पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है. पॉलिनेशन में भी मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर किया था कि दो टाइप से होता है, अगर सेम फ्लावर के अंदर होता है तो इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन जब एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, और जब अलग अलग फ्लावर के अंदर ये होता है तो देन इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. अब हम इसमें बात करेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में. स्टूडेंट्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं. सो द फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट वन इज द टू मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर द डैश सिस्टम एंड द डैश सिस्टम. दो ही सिस्टम होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, एक रूट सिस्टम जो आपका अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है एंड द शूट सिस्टम जो बाहर से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो हमें विजिबल होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये सब लगते हैं किसी प्लांट के. नाउ द सेकेंड वन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वीनेशन. जो हमारे पास जो वीन्स होते हैं किसी भी
लीव के अंदर उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं, जो हमारा रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन होता है। आपको याद होगा जिसमें रेटिकुलेट उसे कहते हैं जिसमें ब्रांचेज होती हैं, और पैरेलल विनेशन किस में होता है, जैसा आपका बनाना ट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास। डैश हेल्प इन एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल। एंकरिंग का काम कौन करके रखता है, पकड़ के कौन रखता है हमारे प्लांट को सॉइल के साथ, दे आर रूट्स। रूट्स पकड़ के रखते हैं, एंकरिंग करने का काम करते हैं सॉइल के साथ। देन फोर्थ वन इज स्टेमन्स एंड डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेमन्स और पिस्टल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं हमारे प्लांट्स के। स्टेमन मेल पार्ट होता है और पिस्टल फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लीव्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आपने बहुत पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का आपका, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रिपेयर देयर फूड विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट विनेशन हैव लेटरल रूट्स। जिनके हमारे जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास रेटिकुलेट विनेशन होता है, उनके रूट्स कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं। वाइल द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल विनेशन हैव फाइबरस रूट्स। और जिनकी विनेशन कैसी होती है, पैरेलल होती है, उनके रूट्स कैसे होते हैं, फाइबरस होते हैं। नेक्स्ट डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इनमें से कौन सा फीमेल पार्ट होता है, आपको पता है, इट इज पिस्टल। नाउ विल बी हैविंग सम ऑल्टरनेटिव टाइप रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, दैट इज राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, येस और नो, एंड सम एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस। सो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है हमारे पास, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द एयर, दिस इज फॉल्स। स्टेम का काम वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना नहीं होता है, ये काम रूट का होता है जो वो सॉइल से करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनओपन्ड फ्लावर इज कॉल्ड बड, दिस इज ट्रू। मैंने आपको बताया था जब फूल कली की फॉर्म में होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्लोज्ड होता है, उसके पेटल्स और जो भी उसके फर्दर पार्ट्स हम जिनके बारे में हमने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, ओके। देन वी आर हैविंग येस और नो टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज आर द प्लांट्स विद हार्ड बट थिन स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। जो प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है हार्ड होती है बट पतली होती है, क्या उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, येस उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। जैसे भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रोज प्लांट के बारे में पढ़ के आए थे, तो जो उसकी स्टेम होती है वो थिन होती है बट हार्ड होती है थोड़ी सी, तो उसे, और वो थोड़ा झाड़ी नुमा होता है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। नेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल का, उसे स्टिग्मा कहते हैं, येस दिस इज ट्रू। बिकॉज क्योंकि जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारे पिस्टल का, ओके। देन वी आर हैविंग सम राइट और रॉन्ग क्वेश्चन। राइट और रॉन्ग में हमारे पास सबसे पहला है, फाइब्रस रूट सिस्टम हैज़ अ मेन रूट। क्या फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई मेन रूट होता है, नहीं होता है। फाइब्रस रूट के अंदर तो सारे ही मेन होते हैं, और सारे के सारे मतलब एक तरह से झाड़ी टाइप से, मतलब बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, यू कांट काउंट देम। जैसा ओनियन के अंदर होता है, अगर आप ओनियन के रूट्स की बात करेंगे तो वो बहुत सारे होते हैं, यू कैन नॉट ईजिली काउंट देम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन। क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी स्टेमन के पार्ट होते हैं, नो दे आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी दीज आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टल। नेक्स्ट एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स अब हमारे पास। एनालॉगी टाइप क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है चीज़ों को। जैसे इसमें पहला वाला गिवन है आपको, रेडिश बिलोंग्स टू टैप रूट सिस्टम। जो रेडिश होती है हमारे पास, उसका रूट सिस्टम कैसा होता है, टैप रूट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक मेन रूट होता है और उससे फर्दर ब्रांचेस निकले रहते हैं जिन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम ओनियन की बात करें तो ओनियन के अंदर कोई मेन रूट तो होता नहीं है, तो इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी, अगर आप ओनियन को ध्यान से देखेंगे नीचे वाली साइड को उसके, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स से होते हैं, फाइबरस रूट होते हैं, तो इसीलिए उसके सिस्टम को क्या कहा जाता है, फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। ओनियन के पास कैसा रूट सिस्टम होता है, फाइबरस रूट सिस्टम। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर का होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है, जिसके अंदर आपका फिलामेंट और एंथर होता है फर्दर। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, दैट इज पिस्टल। सो दिस इज व्हाट द एनालॉगी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। पिस्टल के फर्दर पार्ट्स आपको पता होंगे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल्स।
सो वो उसमें कैटेगराइज होता है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू सो फार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.